अब मैं साइकिलिंग छोड़ रहा हूँ, अब मैं ऑल इंडिया ट्रिप नहीं करूँगा साइकिल से, क्योंकि अब मैं जो है सोच रहा हूँ हेलीकॉप्टर से ट्रिप कर लूँ ये वाला। हाँ, फ्री की हेलीकॉप्टर भी मिल गई है रखी हुई। और अच्छा, कितना यूनिक सा है। और एक चीज़ है, मैं जहाँ से हूँ मतलब मेरा गांव जहाँ पे है, मेरे गांव के पास एक घर है, उसके ऊपर भी ऐसा एक हेलीकॉप्टर है, बट वो ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर देखने में हेलीकॉप्टर जैसा लगता है। मुझे दिखा, बड़ा यूनिक लगा, मैंने सोचा ये दिखाऊं आपको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बन जा रहे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 168वां दिन है और फिलहाल हम हैं रामपुर से करीब 4-5 किलोमीटर आगे। एग्जैक्टली ये जगह का कोई नाम नहीं है क्योंकि ऐसे वीरान जगह है, सिर्फ सड़कें हैं। और हम निकल गए हैं आगे की तरफ, रिकोंगपियो की तरफ बढ़ रहे हैं। रिकोंगपियो की दूरी है यहाँ से करीब 110 वगैरह किलोमीटर है शायद। और मुझे एक नीचे बड़ी यूनिक सी चीज़ दिखाई दी है यहाँ सड़क के ऊपर से, वो है, वो नीचे एक टनल दिख रहा है। मैंने बहुत सारे टनल देखे यहाँ पे, मुझे रीज़न नहीं मालूम है। पहाड़ों पे खूब सारे टनल देखने के लिए मिल रहे हैं और ये टनल को बंद कर दिया गया है। इसको खोला क्यों गया था, इसको बनाया क्यों गया था, यही मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल सवाल है। पूरा दिख रहा है शायद, ऐसे बहुत सारे टनल देखने के लिए मिले मुझे रास्ते में और मैं कंफ्यूज था और अभी भी कंफ्यूज हूँ। अगर आप में से किसी को पता है ये टनल बनाए क्यों गए थे या इनको क्यों बनाया जा रहा है, अभी भी बहुत सारे टनल्स के काम चल रहे हैं, मतलब रेलवे वाले टनल को छोड़ के इन टनल्स के काम चल रहे हैं या ऐसे बहुत सारे टनल बने हुए हैं रास्ते में, क्यों बने हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। एक और दिन की शुरुआत है, पराठा हमारे साथ है, चाय उसके साथ है, चाय पराठा हम खाने जा रहे हैं। तो वैसे ही मुझे कल एक लोगों ने मैसेज किया और उन्होंने ऐसे बात की, वो भी उस टाइम पे लंच में पराठा ही खा रहे थे। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी कि भाई पराठा खा लो, तो इतना प्यार नहीं है पराठे से मुझे, मेरी मजबूरी है, खाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल पराठे खाते हैं, खा के फिर आगे की तरफ निकलेंगे। और करीब हमने अभी तक 10 किलोमीटर तो कवर कर ही लिया होगा, 10 किलोमीटर के करीब हम जो है अभी तक आ चुके हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे।
और फिलहाल हम आ चुके हैं करीब 30 किलोमीटर आगे जहाँ पे हम रुके हुए थे कल वहाँ से, और समय भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। कितने प्यारे जंगल हैं, एक प्यारा सा घर है, काश हमारा घर भी यहाँ होता, रोड के किनारे कहीं ऊँची सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नीचे नहीं जाना होता। और हाँ, टाइम हो रहा है 1:02, मतलब 1 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं और 1 बजे तक हमने करीब करीब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब बहुत ज़ोर की भूख लगी है, सुबह हमने नाश्ता किया ही था पराठा, फिर देखते हैं कहीं कुछ खाते हैं, एनर्जी एकदम ज़ीरो हो गई है। ये व्यू है और ये हमारा दोपहर का खाना है, पराठा तो है ये नॉर्मल, ये है दही और दही में हमने डाल दिया है ये मसाला, मतलब ये मेरी बुआ जी ने जब मैं नगीना में था उन्होंने तैयार करके दिया था। सच में इसकी वजह से दही का टेस्ट इतना अच्छा हो गया, पूरा रायता बन गया, बस दही लेना है, मसाला डालना है और रायता तैयार। शिवाजी भाई खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, भूख लगी है बड़ी ज़ोरों की। ये बगल में खिड़की है, खिड़की से बाहर के नज़ारे मैंने दिखाई दिए आपको, बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले खाता हूँ। वेलकम टू किन्नौर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है और यहाँ से शिमला डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है। शिमला बहुत दूर तक था, मुझे लगता है हम लोग पीछे से, मतलब शिमला से करीब 130 किलोमीटर के करीब आ चुके हैं अभी तक, और अभी भी शिमला यहाँ पे है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से स्टार्ट होता है किन्नौर, किन्नौर में एंटर होने के बाद फाइनली अभी लग रहा है कि हाँ डेस्टिनेशन के एक और कदम पास पहुंच गए हैं। और ये है सतलुज नदी जो कि बहती है यहाँ से और जाती है पाकिस्तान में। अगर हमें पाकिस्तान जाना हो हमें कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर एक बोट रखनी है, बस इसके साथ चलते जाना और हम पहुँच जाएंगे पाकिस्तान और हमारी फॉरेन ट्रिप भी हो जाएगी। एक पता नहीं वापसी का कोई रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, हर कोई मुन्ने के जैसे, हर कोई भाईजान के जैसे वापस नहीं आ सकता है ना। और बहुत प्यारा लग रहा है वैसे, बहुत और फिलहाल हम खड़े हो गए हैं आके किन्नौर के पहले ढाबे पे। किन्नौर जिले में एंटर होने के बाद ये पहला ढाबा पड़ता है जो कि यहाँ पीछे है, इस पर लिखा हुआ है किन्नौर का पहला ढाबा। और एक और स्पेशल चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो है ये, एक पहाड़ को काट के अंदर एक टनल जैसा बना दिया गया है और आपको ये क्रॉस करके जाना होता है इस पार से उस पार। कितना बड़ा पहाड़ है, सच में पहाड़ों पे रोड बनाना टफ जॉब है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन्नौर का पहला ढाबा चौरा गोविंद सिंह नेगी, जो भी है यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अगर आप आते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं और इन नज़ारों के साथ चाय बिस्किट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मिल जाती हैं, इवन नॉनवेज भी मिल जाता है, मटन चिकन भी, वो भी खा सकते हैं। और ये रास्ता जो है ये ऑर्डिनरी नहीं है, इसका नाम है, इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ किन्नौर। जैसे ये है ढाबा, पहला ढाबा किन्नौर का, वैसे ही ये गेटवे ऑफ किन्नौर है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब क्या बात है, क्या एक कोइंसिडेंस था कि हम यहाँ कैमरा ऑन रखे हुए थे और बगल से एक बस गई, उसका हॉर्न कितना प्यारा था। और हाँ, मैं बता रहा था ये जो जगह है इसको गेटवे ऑफ किन्नौर कहा जाता है, और संजोग अच्छा है और थोड़ी मेहनत भी है मेरी, सिर्फ संजोग से काम नहीं होता। मैं इस रास्ते पे चलते चलते एक ऐसी प्यारी जगह पे आ चुका हूँ जिसकी एक बहुत महत्व है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि
थोड़ी मेहनत के साथ और थोड़ी क्या थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत के साथ मैं फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ जो बहुत प्यारी लोकेशन है, उसके साथ साथ एक इसका बहुत बहुत ज़्यादा ही महत्व है। क्योंकि आप जब भी हिमाचल में घूमने जाते हैं, आप उत्तराखंड से शिमला होते हुए और कोशिश करते हैं मनाली निकलने की, तो आपको इस रास्ते से गुजरना होता है। आप स्पीति, रिकॉन्ग पीओ कहीं भी जाएंगे यही रास्ता है, और यहाँ पे आपको किन्नौर से होके जाना होगा और ये जगह आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है और इसका नाम भी है गेटवे ऑफ किन्नौर। बाहर बारिश हो रही है और पूरे बादल आ गए हैं, एकदम नज़दीक नज़दीक से बादल आ गए हैं और हम अंदर आके छिपे हुए हैं। एक टीन शेड मिल गया, दिख गया, संजोग से हम यहाँ रुक गए। इसमें भी छेद है, पूरा पानी नीचे गिर रहा है और वो एक टाउन दिख रहा है पीछे, फिर वापस जाना पड़ेगा देख रहा हूँ, क्योंकि आगे जाना पॉसिबल नहीं। आगे 6 किलोमीटर बाद जो है एक जगह मिलेगी रुकने की कहीं पर, हम पीछे चले जाएंगे। बारिश का मौसम है, पूरा चारों तरफ बादल बादल आ गया है। रात के 9 बज चुके हैं और हम एक ढाबे पे रुक गए थे। 8 बजे तक हमने राइड की थी क्योंकि यहाँ पे 7:40 7:50 तक उजाला रहता है। और शिवाजी भाई, मैं, हम दोनों लोग खाना खाने जा रहे हैं। साथ साथ में न्यूज़ देख रहा था मैं, तो मैं सोचा आप लोगों को बता ही देता हूँ कि खाना खाने जा रहा हूँ और खाना खा के यहाँ पे जो ढाबा वाले अंकल जी, ढाबे वाले अंकल जी ने हमें रहने के लिए एक जगह भी बता दी, खाना खाएंगे जाके चुपचाप सोएंगे, थकान बहुत हो गई, फिर सुबह उठेंगे, फिर जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल बस एक ही टारगेट दिख रहा है, खाना खाना है, जाके आराम करना है। हमने टेंट लगा लिया है और सिंगल टेंट लगाया है आज, भैया की साइकिल और धन्नो को अभी यहाँ किनारे खड़ी कर देंगे, फिर आराम से एक ही टेंट में दोनों लोग सो जाएंगे। हमने सोचा जगह थोड़ी सी है, दोनों लोग एक ही टेंट में सो जाएंगे। और रात को 8 बजे हम यहाँ पहुँचे थे तो फाइनली यहाँ रुकने की परमिशन मिल गई थी। बगल में एक और जगह थी, वहाँ भी रुक सकते थे बट वहाँ नीचे पूरी किट्टे बिछी हुई थी, वो चुपती नीचे से, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जो है परमिशन लेके, हमें परमिशन मांगनी भी नहीं पड़ी, उन्होंने खुद दे दिया कि आप एक काम करिए यहाँ रुक जाइए
और उधर सोने से बेहतर है। तो हमने भी थैंक यू बोला और टेंट लगा दिया इधर। तो आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई जर्नी पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।